नमस्कार दोस्तों, संध्या बेस किचन में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके बगल में छोटी सी घंटी है उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि हमारे नए नए रेसिपी के वीडियो आपको सबसे पहले मिले। आज हम बेसन की बर्फी की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो चलिए हम सामग्री देख लेते हैं कि क्या क्या लगती है। तो हमने ये आधी कटोरी बेसन लिया है, घी, शुगर, काजू और बादाम। चलिए हम चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे पैन रख दिया है और गैस को ऑन कर दिया है तेज फ्लेम में। अब हम इसमें डालेंगे घी और बेसन और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी गाढ़ा गाढ़ा सा लग रहा है बेसन, लेकिन जैसे जैसे बेसन पकता जाएगा ना, तो इसका घी छोड़ता जाएगा, ये घी निकलता जाएगा इससे बाहर और बढ़िया ये पतला हो जाएगा। हमारा मटेरियल घी भी छोड़ने लगा है और खुशबू भी इसकी बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन हमें इसी तरीके से लगातार चलाते हुए अभी और थोड़ा सा भूनना है। ये हमारा बर्फी का मटेरियल पूरा अच्छे से भून चुका है। ये देखिए बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, लेकिन जैसे इसका कलर इसमें दिख रहा है ना, तो हमारे कैमरे में ऐसा कलर इसमें नहीं दिख रहा है, बिल्कुल सुनहरा हो गया है, लाल हो गया है बिल्कुल। ये देखिए ये हमारा बेसन ठंडा हो चुका है। अब हम इसे रख देंगे साइड में और चाशनी की तैयारी करेंगे। तो गैस पे एक बर्तन चढ़ा देंगे और इसमें डाल देंगे अपनी शुगर, और जितनी शुगर डाली थी उससे कम पानी डाल रहे हैं। जितनी शुगर रहती है ना उसका आधा पानी डालते हैं तो चाशनी बहुत अच्छी बनती है और जल्दी बन जाती है, और जितना ज्यादा पानी रहेगा ना उतना ज्यादा टाइम लगेगा चाशनी बनने में। गैस को मध्य कर देते हैं, मध्य गैस पे चाशनी को पकाएंगे, तभी ये बिल्कुल अच्छे से पक पाएगी। ये हमारी चाशनी बन करके तैयार हो गई है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। अब जो हमने ये चाशनी तैयार करी है वो डाल बेसन में और इसको बिल्कुल फटाफट मिला लेंगे। ये हमारा बेसन चाशनी सब बिल्कुल बराबर परफेक्ट इसमें मिल चुकी है। अब हम इसे एक थाली में पलट देंगे जिसमें हमने घी लगा करके पहले से ही रेडी करके रखा था, क्योंकि फिर बाद में दिक्कत होती है। और हम थोड़ा इसको बादाम से और थोड़े काजू से इसको गार्निश कर देंगे। आप अपने मनचाहे फ्रूट्स इसमें डाल सकते हैं। अब हम घी लगे चम्मच से इसे इस तरीके से दबा देंगे अच्छे से, ताकि जो हमारा ड्राई फ्रूट्स है इसमें अच्छे से चिपक जाए। अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ये हमारा ठंडा हो गया है, इसे कट लगा करके तैयार कर लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से हम इसके पीसेस निकाल लेंगे सारे और निकाल करके तैयार कर लेंगे। ये हमारी बेसन की बर्फी बन करके तैयार है। बनाने में बहुत ही जल्दी बन जाती है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तब तक के लिए विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।